नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं शिव कुमार। दोस्तों आज मैं आप लोग को बताऊंगा IRCTC में अगर आप अपने मनपसंद का सीट कोच यानी डब्बा चाहे जिस डब्बे में अपना सीट बुक कर सकते हैं कैसे करना है। अगर आपका कोई फ्रेंड या दोस्त S3 में S4 में किसी भी कोच में जा रहा है, आप उसमें उसके सीट के बगल में कैसे सीट ले सकते हैं। दोस्तों आइए, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, आप यहाँ से अपना ट्रेन सर्च कर लेंगे, उसके बाद जिस डेट को जाना है वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। अपना सर्च ट्रेन कर लेंगे, आपका सभी ट्रेन दिखाई देगा, कितनी ट्रेनें जा रही हैं उस जगह पे जहाँ पे आप जाना चाहते हैं आपके स्टेशन से। देखिए, मैं गंगा सतलुज का यहाँ पे ऐड कर लिया, स्लीपर का देख ले रहे हैं हम। उसके बाद यहाँ पैसेंजर डिटेल पे आ जाएंगे। यहाँ लॉगिन करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं पहले लॉगिन कर। पैसेंजर डिटेल करने के बाद आइए एग्री कर लेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आइए एग्री दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। मैं आपको मेन जगह बता दे रहा हूँ कहाँ पे आपको डब्बा और सीट लेना है, जिसे कोच बोलते हैं। आप यहाँ पे अपना एड्रेस, मतलब जिसको जाना हो वहाँ पे एड पैसेंजर का नाम डाल देंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे, नीचे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंसाइट फॉर ऑटो एप्लीकेशन, मतलब यहाँ पे अगर इस पर दोनों पे क्लिक कर देना है, बुक ओनली कन्फर्म वेट आट अलाउ। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए अपना कोच नंबर डाल देना है, S3 4 जो भी हो, S4 में है, S4 S5 में, S5 S7 में है, S7 में जो भी आपका है यहाँ पे S7 में कर देंगे। उसके बाद आपको जो सीट चाहिए यहाँ पे नॉन पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है रिजर्वेशन कोच, नॉन पर क्लिक करेंगे, इस पर नॉन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑन प्लस, यहाँ पे बुक ओनली इफ ऑल बर्थ आर अलॉटेड इन द सेम कोच, मतलब आप उस डब्बे में उस कोच में कोई भी सीट मिल जाए उसके लिए इस पर क्लिक कर देंगे। अगर बुक ओनली आप एटलीस्ट वन लवर, मतलब आपको अगर एक नीचे वाली सीट चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर दो चार टिकट है उसमें आप दो नीचे वाली सीट चाहते हैं तो आप बुक ओनली इफ टू लवर बर्थ इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक करने के बाद अपना एड्रेस डाल कर टिकट आसानी से बुक कर सकते हैं। बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही।